बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन डे विद उजाला। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे जहाँ भी होंगे। अच्छा जनाब, तो आज है फ्राइडे और मैं कहाँ जा रही हूँ जनाब? आज जो है वो मैं जा रही हूँ कुरान क्लास लेने के लिए। और मैं हर फ्राइडे तो नहीं जाती, बट मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्राइडे को जो है वो अटेंड किया करूँ, बिकॉज एक जगह है वहाँ पर होती है। वैसे तो ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पर ऐसी दीनी तालीमात जो है वो दी जाती हैं, लेकिन मैं जहाँ पर जाती हूँ वहाँ पर हर फ्राइडे को होती है, बट मैं जो है वो हर फ्राइडे अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि वो कुछ दूरी पर है मेरे घर से। तो कभी कोई मसरूफियात हो जाती है या क्या, लेकिन जब भी मुझे जो है वो फ्री टाइम मिलता है, लाइक फ्री फ्राइडे मिलता है, तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ और कुरान की जो क्लास है वो जी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है जनाब आज की अच्छी बात। अच्छी बात जो है वो किसी भी टॉपिक से लिहाज से हो सकती है, चाहे वो दीन के लिहाज से हो, चाहे वो इखलाक के बारे में हो, चाहे वो आपके किसी भी अच्छी हैबिट के मुतालिक हो, कोई भी अच्छी बात जो है वो आप लोगों की हो सकती है। और मैं जो है ये बिलीव करती हूँ कि जब भी आपको कोई अच्छी बात पता चलती है तो उसको दूसरों के साथ ज़रूर आप लोग जो है वो शेयर करें, क्योंकि ये भी एक सदका है, ये भी एक नेकी है। और ये छोटी छोटी नेकियाँ हैं जो हम लोगों को इंशाल्लाह आगे जाके काम आएंगी। और बेसिकली आजकल जिस तरीके से अफरा तफरी का दौर जो है वो हो गया है, तो इट्स वेरी बेटर कि हम लोग जो है वो अच्छी बात एक दूसरे को बताएँ, एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि आपस में जो है वो मोहब्बत जो है वो पैदा हो और आपस में हम लोग जो है वो मिलजुल के और अच्छे तरीके से जो है वो रह सके। आज जो मैं अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैंने कुछ दिन पहले कहीं पे सुनी थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद ना सिर्फ मैंने सुनी थी बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसके बाद उस पर अमल भी कर रही हूँ। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों में से जितने भी लोग ये सुनेंगे आप लोग भी इस पर अमल करेंगे और जो है वो मुझे दुआओं में याद रखेंगे, साथ में मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखेंगे। तो अच्छी बात आज की ये है कि जब भी आप लोग दुआ मांगते हैं, बेशक आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये करते भी होंगे आई एम श्योर, लेकिन यह है कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है मेरी तरह जिसको जो है ये बात फर्स्ट टाइम पता चल रही होगी, तो वो इंशाल्लाह इस पर अमल करेगा। जब भी हम लोग दुआ मांगते हैं तो एक तो यह है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी हम लोगों को पढ़ना है, लाजमी लाजमी, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने दुआ के स्टार्टिंग में 3 दफ़ा या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, ये 3 दफ़ा आप लोगों ने पढ़ना है। और उसके बाद हम लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है और फिर हमने मांगनी है अपनी दुआ जो भी है। और दुआओं में जो है वो सबको ही याद रखा करें, क्योंकि पता नहीं होता है कि किसकी जो है वो एक आमीन जो है वो आप लोगों की किसी के लिए कबूलियत बन जाए। तो सबको ही याद रखा करें, क्योंकि हम जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अपने हक में जो है वो कबूल होती है। और यही तरीक़ेकार है जो अल्लाह पाक ने और उसके रसूल ने हमें सिखाया है दुआ। आई होप कि आप लोगों को आज की अच्छी बात जो है वो अच्छी लगी होगी, प्लस ये कि आप लोग ना सिर्फ इस पर अमल करेंगे बट मुझे जो है वो दुआओं में याद रखेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए मेरी पहली वीडियो को भी जो है वो ज़रूर देखिए, जो कि मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप लोग मुझे जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया हो कि जी मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये रोड, ये जगहें जो है वो जानी पहचानी लगती हैं, यहाँ पर भी कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, तो जो जो यहाँ पर यहाँ के रिहायशी होंगे वो ज़रूर पहचान गए होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जी जनाब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हम लोग इसी तरीके से आप लोगों के साथ मैं बातें करती रहूँगी। और दिन में क्या क्या करूँगी आगे आप लोगों के साथ, बहुत कुछ है शेयर करने को, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और मेरे साथ रहें। और आप लोगों के साथ बातें करते करते मैं जो है वो यहाँ आ ही चुकी हूँ, जहाँ पे मुझे आना था क्लास लेने के लिए। और आई लव दिस कॉलोनी, और मेरा इस कॉलोनी के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है, बहुत ही मोहब्बत है मुझे इस कॉलोनी से। और साथ ही ये कि अब जो है वो मैं करूँगी क्लास अटेंड और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल, खुद भी खुश रहें जनाब, दूसरों को भी खुश रखें। और जी फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।